ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर फिर सियासत हावी होने लगी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह प्रदेश की सबसे बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना एयरपोर्ट भी अब राजनीति का शिकार होकर ना रह जाए। हवाई अड्डे के विस्तार और यहां अधिक से अधिक सुविधाएं लाने के प्रयास करने वाले नेता भी अब इसके मामले पर सवाल उठाने लगे हैं। जेएनके और लेह लद्दाख के लिए अति जरूरी समझे जाने वाले कांगड़ा एयरपोर्ट के महत्व को सेना भी पहले ही हरी झंडी दे चुकी है। ऐसे में अब सारी व्यवस्थाएं पूरी होने को हैं। एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर इसे 3010 मीटर तक ले जाने का प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं अब इसके विस्तारीकरण को लेकर इसमें राजनीतिकरण की बू भी आने लगी है, जिस पर भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले ही कांगड़ा के लिए प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय करीब एक दशक से राजनीति का शिकार हुआ पड़ा है। दरअसल जो भी सरकार सत्ता में आती है वो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विवाद को समाप्त कर इसे बनाने का दावा करती है। जयराम सरकार ने भी जल्द काम शुरू करने का दावा किया था, लेकिन अभी जमीन संबंधी कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। तो वहीं ऐसा ही हाल कांगड़ा एयरपोर्ट का भी होने के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल पिछले दिनों दो भाजपा विधायकों के ये बयान आना कि कांगड़ा में पठानकोट के हवाई अड्डे से काम चलाया जा सकता है और अब इसके विस्तारीकरण की राह में रोड़ा अटकाने के लिए कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन करवाने के पीछे जो सियासत शुरू हुई है, इन सब के पीछे एक बड़ा सियासी प्रोपेगेंडा माना जा रहा है। क्योंकि कांगड़ा के सियासी गलियारों में कांग्रेस तो कांग्रेस, अब भाजपा के नेता भी दबी जुबान में सवाल उठाने लग गए हैं कि कहीं कांगड़ा के एयरपोर्ट के विस्तार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मंडी में एयरपोर्ट निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना का आड़े न आ जाए और इसका हश्र भी धर्मशाला के केंद्रीय विश्वविद्यालय की मानित ही हो जाए। हाल ही में भाजपा सांसद ने कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए किए जा रहे प्रयासों के पीछे सियासत की बू आने के संदेश दिए थे। हालांकि उनका दावा ये भी था कि उनकी सरकार इसे हर हाल में बनवाएगी। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस वाली का कहना है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण होना चाहिए, इसके लिए आवश्यकता अनुसार भूमि ली जानी चाहिए, किसी को नाजायज तंग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर राजनीति कर कांगड़ा से भेदभाव करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। ऐसा सरकार हिमाचल के पर्यटन और यहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। जो एयरपोर्ट की आपने बात कही, एयरपोर्ट की जब डुलमुल नीति होगी, ये कभी हम मंडी में बनाएंगे, कभी हम सुंदरनगर में बनाएंगे, तो एज ए सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मेरे पास था, मंडी रिजेक्ट हो चुका है, तो मैंने कहा कि क्या परिस्थितियां बदली उसका जवाब दे दो। और प्रधानमंत्री जी ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी, मैंने प्रधानमंत्री जी ने कौन से चिट्ठी के मुताबिक कन्फर्म किया कि मैं आके फाउंडेशन स्टोन करूंगा इसका, हमें बताओ। क्योंकि वो कर नहीं सकते जब तक उनको क्लियरेंस ना मिले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, तो वो क्लियर नहीं हुआ है, वहाँ कभी बनेगा नहीं और यहाँ पे ये बढ़ने नहीं देंगे। तो जो गग्गल में जो उचित और जरूरी जगह है उसको अक्वायर करना चाहिए, बिल्कुल अक्वायर करना चाहिए, और लोगों का हक जो है, उनके पैसे जो हैं वो लोगों को मिलना चाहिए, मगर जितनी ज़रूरत है उतनी करें, उससे ज़्यादा लोगों को तानाशाही रवैया ना दिखाएं। कांगड़ा के सियासी गलियारों में एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर उठ रहे सवालों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अनभिज्ञ नहीं हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपना सियासी दांव फेंकते हुए एक बार फिर से राग अलाप दिया है कि अगर कहीं एयरपोर्ट विस्तार की संभावना है तो वो कांगड़ा में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। मेरा उसमें निवेदन है कि कांगड़ा एयरपोर्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में एकमात्र एयरपोर्ट है जहां थोड़े पैसे में हम ज़्यादा जो है काम कर सकते हैं। अभिप्राय मेरा ये है कि हिमाचल में अभी तक कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए अगर सबसे अच्छा काम कर सकते हैं तो कांगड़ा एयरपोर्ट का अगर एक्सपेंशन होता है तो ये काम जल्दी पूरा किया जा सकता है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।